स्पेशल रिपोर्ट में आज बात यूएन में पाकिस्तान के नापाक प्लान की, साथ ही कैसे भारत की घेराबंदी से घबराया है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ है, चतुराई से काम निकलवाने में पाकिस्तान माहिर है और इस बार भी वही करेगा। पाकिस्तान ये जानता है कि विश्व पटल पर उड़ी का मामला उठेगा, इसलिए वो पहले से इस मसले पर आला नेताओं से बात कर रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान को लगाम लगाने की सलाह दी तो उसने दो टूक कह दिया कि वो एटमी प्रोग्राम को लिमिटेड नहीं करेगा। पाकिस्तान क्या है, वो क्या कर सकता है और वो कहां तक सोच सकता है, अब तक भारत इसको बहुत अच्छे से समझ चुका है, लेकिन अब बारी थी विश्व पटल पर पाकिस्तान को समझाने की। अमेरिका ने लगाम लगाने की सलाह दी थी लेकिन पाकिस्तान ने दो टूक कह दिया। पाकिस्तान की दो टू, एटमी प्रोग्राम को नहीं करेगा लिमिटेड। कश्मीर के उरी में जो हुआ उस पर चर्चा हो उससे पहले यूएस के विदेश मंत्री जॉर्ज कैरी ने शरीफ से न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर भी लगाम लगाने को कहा था। मलिहा ने एटमी प्रोग्राम पर रोक लगाने की अमेरिकी की सलाह को नकार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को लिमिटेड नहीं करेगा। कश्मीर मुद्दा नहीं, मिशन है। पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की भारत की कवायदों के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया। यूनाइटेड नेशंस में पाक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा कश्मीर हमारे लिए अब मुद्दा नहीं, मिशन कश्मीर बन गया है। नवाज शरीफ के यूएस दौरे का ये इकलौता एजेंडा है। मलिहा ने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम पर भी अकड़ दिखाई और जॉन कैरी से साफ साफ कह दिया कि वो जिस तरह की उम्मीद पाकिस्तान से कर रहे हैं वैसी उम्मीद भारत से भी करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सेना को फ्री हैंड देने के साथ ही सरकार पाकिस्तान से आर पार के मूड में है। देश में गुस्सा है, हर कोई शहीदों की शहादत का बदला लेना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को हर सूरत में इस हमले का जवाब दिया जाए। ये जवाब कई तरीकों से दिए जाएंगे। पाक की नस नस से वाकिफ है भारत, काम निकलवाने में पाकिस्तान माहिर, विश्व पटल पर भारत को घेरने की तैयारी, लेकिन देना होगा उरी हमले पर जवाब। भारत पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ है, चतुराई से काम निकलवाने में पाकिस्तान माहिर है और इस बार भी वही करेगा। पाकिस्तान ये जानता है कि विश्व पटल पर उरी का मामला उठेगा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में हिस्सा लेने गए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को भारतीय दल की तरह ही आखिरी समय में अपने एजेंडे में कुछ बदलाव करने पड़े होंगे। पहले से इस संभावना जताई जा रही थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने भाषण में कश्मीर में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाएंगे और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की अपनी सरकार की कोशिशों को चरम पर ले जाएंगे।
वे अब भी ऐसा करेंगे, लेकिन अब उन्हें उरी हमले पर भी जवाब देना होगा। पाकिस्तान भले ही अपने बचाव में कितनी भी ताकतवर बातें कहे, लेकिन दुनिया ये अच्छे से जानती है कि उसकी खोखली बातों की हकीकत क्या है। आतंकियों से लोहा लेने के लिए पूरा विश्व एक है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उरी हमला करेगा, पाकिस्तान की बात का वजन कम। उरी में हुआ हमला अपने आप में पाकिस्तान की बात का वजन कम कर देगा, क्योंकि उसके पास ठोस सबूत है कि ये हमले पाकिस्तान की जमीन से चल रहे हैं, आतंकी संगठन का हाथ है। भारत का फैसला, पाकिस्तान के खिलाफ चलाएगा अभियान। भारत पहले ही फैसला कर चुका है कि वह रणनीतिक रूप से आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक अभियान चलाएगा। योजना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर घाटी की हालिया अशांति को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करेगा, तो भारत उरी हमले का मुद्दा बनाकर उसकी कलाई खोलेगा, और पाकिस्तान इस कोशिश में रहेगा कि किस तरह से भारत को दुनिया के सामने झुकाया जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर विश्व नेताओं के साथ लगभग अपनी हर बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया है, लेकिन भारत के साथ विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की उनकी कोशिशों पर किसी का ध्यान खिंचता नहीं दिखा। नवाज ने की विश्व नेताओं से बात, अपनी हर बैठक में उठाया कश्मीर का मुद्दा। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और तुर्की के नेताओं से की बात, मसला सुलझाने के लिए हस्तक्षेप की मांग। शरीफ ने अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और तुर्की के नेताओं के साथ बातचीत में यह मामला उठाया और यह मामला सुलझाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा शुरू होने से ठीक पहले उरी हमले ने शरीफ की अपील को सिर्फ अपील ही बना दिया। भारत के बार बार सबूत पेश किए जाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो अपनी गलती को मानने के लिए राजी नहीं हो रहा। उरी में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के हमले और हमले के ठीक दो दिन बाद हुए सीज फायर उल्लंघन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। उरी हमले पर पाकिस्तान खामोश, लेकिन दुनिया ने इसकी कड़ी आलोचना की। उरी हमले पर पाकिस्तान भले ही खामोश हो, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। यहां तक कि पाकिस्तान के सरपरस्त चीन को भी आतंकवाद के खिलाफ बयान देना पड़ा है। ऐसे माहौल में उरी में आतंकी हमले पर नवाज की खामोशी शराफत के चोले में छिपे गुनाह की चुगली कर रही है। नवाज शरीफ ने अपने इन्हीं गुनाहों को ढकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में कश्मीर के नाम पर खूब हल्ला मचाने की तैयारी की है। नवाज शरीफ
अपने दामन पर लगे खून के छींटों को छिपाने के लिए दुनिया के मंच पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। वो विश्व पटल पर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने को बेताब है। आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों और आम लोगों के माँ बाप, बीवी, बच्चों, भाई बहनों और दोस्तों की आहें दुनिया के कानों तक ना पहुंच सके, लेकिन पाकिस्तान के इन घड़ियाली आंसुओं की हकीकत भी अब दुनिया को समझ आने लगी है। स्पेशल डेस्क, समाचार प्लस। स्पेशल रिपोर्ट में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या विश्व पटल पर पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने को तैयार है। आतंक को रक्त बीज की तरह पैदा करने वाला पाकिस्तान अब आतंकी देश घोषित हो सकता है। भारत पर लगे जख्मों का दर्द पूरे विश्व में महसूस किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि चीन तक आतंकवाद के खिलाफ बयान दे चुका है। तो क्या पाकिस्तान हर मोर्चे पर शिकस्त खा घुटनों के बल आने वाला है? भारत करेगा पाकिस्तान की घेराबंदी, वैश्विक मंच पर अलग थलग होगा पाक। भारत उरी हमले के मसले को यूएन में उठाने की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएन महासभा में 26 सितंबर को भाषण देने वाली हैं, जिसमें वो उरी हमले के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगी। भारत ने मुंबई में 26/11 हमले के बाद भी इस मसले को वैश्विक मंच पर उठाया था और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की थी। इसके अलावा यूएन स्थित भारतीय मिशन दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित करवाएगा। भारत की कोशिश ये है कि वो दुनिया के मंच पर साबित करे कि कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका अहम है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कराने की तैयारी कर रहा है। तो इससे पहले ही अमेरिका पहुंचे पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने फिर से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। शरीफ ने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा, भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है, उसे रोका जाए। दुनिया को आतंकवाद और आजादी की लड़ाई में फर्क करना होगा। दुनिया को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव लागू करवाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलवाना होगा। उरी हमले के बाद से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ लॉबिंग करने में जुटा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आक्रामकता, उरी हमले के कुछ घंटों के भीतर ही केंद्र सरकार ने दुनिया के तमाम देशों में तैनात अपने राजनयिकों को कहा कि वो वहां की सरकारों से इस मसले की निंदा करवाएं। भारत के इस कदम का असर भी दिखा। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित तमाम देशों के विदेश मंत्रियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। यूएन महासचिव बान की मून और भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने भी उरी हमले की कड़ी निंदा की। भारत के समर्थन में अमेरिका ने क्या कहा? पाकिस्तान आतंकी संगठनों से असरदार ढंग से निपटे। पाकिस्तान को अपनी जमीन आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं बनाने देना चाहिए। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर भी लगाम लगाए। भारत के समर्थन में फ्रांस ने क्या कहा?
इसमें कोई शक नहीं कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है, हम इंडिया के साथ हैं। भारत फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इस संकट से मिलकर लड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठनों को, खासकर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत के समर्थन में ब्रिटेन ने क्या कहा? यूके आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। भारत के समर्थन में रूस ने क्या कहा? हमारी संवेदनाएं आतंकी हमले में शहीद हुए सोल्जर्स की फैमिली के साथ है। इस साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद अब एलओसी के पास हमले से हमारी चिंता बढ़ गई है, ये खतरे का संकेत है। पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने का नुकसान भारत को भी हो सकता है। चीन पीओके में 46 अरब डॉलर के गलियारों का निर्माण कर रहा है। ड्रैगन की चिंता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कड़वाहट आने से इसका आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत एनएसजी की सदस्यता के लिए लॉबिंग करने में जुटा है। इस पूरी प्रक्रिया में चीन का सहयोग भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर चीन को पीओके में भारत की ओर से किसी तरह का नुकसान दिखता है तो वो भारत की एनएसजी सदस्यता की राह में रोड़ा बन सकता है। रोड़ा इसलिए भी क्योंकि उरी में हुए हमले के बाद जब सभी भारत प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे तब पाकिस्तान का ऑल टाइम फ्रेंड चीन ने उरी अटैक पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। भारत के समर्थन में चीन ने क्या कहा? हम सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं। कश्मीर मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। आर्थिक रिश्ते खत्म करना। भारत अगर पाकिस्तान से आर्थिक रिश्ते खत्म कर देता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक 2013 और 14 में दोनों देशों के बीच 4.71 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें भारत की ओर पाकिस्तान को निर्यात का हिस्सा 3 बिलियन डॉलर था जबकि आयात महज 0.72 बिलियन डॉलर ही था। भारत की तरफ से मुख्य तौर पर आभूषण, टेक्सटाइल, मशीनरी, केमिकल, पेपर, टायर और पान के पत्ते पाकिस्तान भेजे जाते हैं। दूसरी ओर भारत कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, सीमेंट, कॉर्पेट, फल और सब्जियां पाकिस्तान से मंगाता है। वैसे आर्थिक रिश्ते खत्म होने से भारत को भी कुछ नुकसान होगा। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक भारत को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। हालांकि भारत ने इसके बदले पाकिस्तान को टैरिफ ड्यूटी शून्य करने का वादा किया है। इससे पाकिस्तान की भारतीय बाजार में गहराई तक पकड़ हो सकेगी। भारत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल को यह सुविधा दे चुका है। नवाज शरीफ कश्मीर का पुराना राग अलापेंगे लेकिन इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। संयुक्त राष्ट्र के आखिरी भाषण में ओबामा ने कहा, देश छिपकर वार करने से बाज आए वरना आतंकवाद उन्हें भस्म कर देगा।
पाक को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए बिल। उधर अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐसा बिल लाया गया है जिसके तहत पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। कांग्रेस के दो सदस्यों ने इस बिल को पेश किया है, यानी कि भारत की चाणक्य नीति ने पाकिस्तान के असली चेहरे को यूएन के सामने भी बेनकाब कर दिया और धीरे धीरे सभी बड़े देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हो विरोध कर रहे हैं। वहीं भारत का हर नागरिक बदले की आवाज को बुलंद कर रहा है। तो क्या आप पाकिस्तान के नापाक कामों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? स्पेशल डेस्क समाचार प्लस। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।